आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की बात करती हुई नजर आ रही है, तो एक कानून की धज्जियां उड़ा रहे आपराधिक किस्म के लोग धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के रजिस्ट्रार ऑफिस भोगांव में देखने को मिला है, जहां बैनामा कराने को लेकर एक नकाबपोश व्यक्ति ने रजिस्ट्रार ऑफिस में जमकर एक व्यक्ति की मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि सरकारी ऑफिसों में इस तरह से मारपीट व जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह पाएगा। इस संबंध में पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आखिरकार पूरा मामला है क्या? आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम रुई निवासी राम प्रवेश अपनी बूढ़ी मां को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां सावित्री देवी ने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि मेरे बेटे रामपाल और रामवीर उनके बेटे अमित प्रशांत जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरा गला दबा दिया, मेरी जमीन नहीं बिकने दे रहे हैं, मैं बीमार हूँ, ना ही मुझे रुपए देते हैं। इस बात को लेकर जब राम प्रवेश व गांव तहसील में रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे, वहां पर रजिस्ट्रार के सामने सभी कुछ जांच हो जाने के बाद जब कंप्यूटर के सामने बैठे हुए बैनामा कराने के लिए ऑनलाइन अंगूठा लगा रहे थे, तभी अचानक मुंह पर अंगूठा बांधकर डाटा लगाए अमित रामपाल लोगों के साथ मारपीट करने लगे और बाहर ले जाने लगे। मौके पर क्षेत्राधिकारी भोगांव को सूचित किया गया, तभी भोगांव इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, जिससे राम प्रवेश की जान बच गई। अभी भी खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं। पीड़ित को भय है कि कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, तो वहीं पर मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। न्यूज 9 भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और रजिस्ट्रार ऑफिस में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, सर पूरा मामला क्या है? अभी एक राम प्रवेश पाल नाम के भी एक फरियादी आए थे, उन्होंने हमको एप्लीकेशन दिया है और ये बताया भी है कि उनके सगे भाइयों के साथ मारपीट हुई है। तो मैं भी अपने अधिकारियों से इस विषय में रिपोर्ट तलब कर रहा हूँ, इसमें जांच बैठा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ घटना हुआ है तो जो दोषी होगा उसके विरुद्ध नियम के अंतर्गत कार्रवाई की। बेटा, हमारे बेटा तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारे ना जमीन बेचन देते हैं ना हमारे घर छोड़ होता है, अब हमें जमीन की बिचवे की जरूरत है। कौन कौन बेटा परेशान कर रहे हैं? हमारे इलाज करा रहे जो बेटा। भैया कौन कौन हमारे परेशान कौन कर रहा है? जो कराए रहो परेशान कौन कर रहा? रामपाल और रामवीर। अभी तो डाती है, वो बोल तो है लड्डो करी खेत बिचिया तो तुम्हें तुम्हारे लड़का से जान से मारती हैं और कुछ, और हमें घर ना छोड़ो तो मकान ना छोड़ो थे, अब हमें परेशान करते हैं। हम रामपाल ने गला दबाओ, जल्दी जल्दी मटे ये ना फसली है, चोट लग गई, फिर हम लौट के आए, हम घर में ना घुसन दो, गेट ना खोलो, हम अपनी बिचिया की आ रहे हैं चार दिन आके। आप इनके साथ में थी? जी, हम इनके साथ में। अच्छा, क्या कारण रहा था? कारण हमें उनकी जमीन ना बेच देने, वो चाहते थे कि जमीन ना बेचें जी, जबकि ये अपने कर्ज जो लिया हुआ है उसको उतारने के लिए गए थे जमीन बेचने। हाँ। तो जैसे ही ये लगभग उनका सब कुछ होने वाला था, अंगूठा लगाने वाले थे, इतने में ही वहाँ पर आ गए और मारपीट करने लगे। हमने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने हमारे साथ भी वही किया, हमें मारने की कोशिश की। अच्छा, बाहर निकलो फिर हम बताते। अच्छा, अगर मारपीट की अगर जो बात की जाए तो क्या इरादा क्या लगता था उनका? उनका इरादा तो हमें तो ये लगता है कि इनको जान से मारने का ही है, कि कहीं ऐसी चोट मारे अंदरूनी जो हम पे कुछ केस ना हो और ये जान से मर जाए। तो पुलिस बचा के लाई उन्हें वहाँ से? वहाँ पे पुलिस आ गई थी, पुलिस के साथ हम लोग थाने गए हैं, थाने से पुलिस ही हमें छोड़ के गई। जहाँ पे डीएम साहब के पास जहाँ अगर कोई मिलता है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उनसे हम गुहार करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जान को बचाया जाए, हमें जमीन का इतना जो है नहीं अगर है तो हम वहाँ से बेच के छोड़ के जो भी हमसे होगा आधे में जो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा जरूर की जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।